कांग्रेस के एक कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन पटना के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हो गया। वे भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा से 9 बार विधायक रहे, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। सदानंद सिंह के निधन पर शोक की लहर दौड़ गई है। सभी दल के नेताओं ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी ने सदानंद सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने उन्हें पिता तुल्य कहा तो विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने उन्हें बिहार कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कहा। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सदानंद सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया है। उनके निधन पर हर वर्ग व पार्टी के लोगों ने शोक जताया है। सदानंद बाबू के निधन से हम सब लोग दुखी हैं। वो एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा में 9 बार सदस्य रहे हैं और सब लोगों से उनका संबंध और बातचीत सब रहता था। हम लोगों से भी बहुत पहले से उनसे एक संबंध रहा है और कोई उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कुछ बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। तो जब वो बीमार पड़े थे तो उनके लड़के से बातचीत भी हुई थी, फिर दिल्ली से लौट करके यहाँ पर आए थे, यहाँ उनका चल रहा था और आज अचानक उनका निधन हो गया। हम सब लोगों को बहुत दुख हुआ है, हमने तो लड़के से भी बातचीत की है। कांग्रेस के हमारे दिग्गज नेता आदरणीय सदानंद सिंह जी, जो 9 बार कहलगांव से विधायक भी रहे और खास करके मेरे अभिभावक तुल्य थे, उन्होंने पार्टी को बहुत ही सेवा दी है, कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी है। लेकिन और समय ही क्रूर पंजों ने उनको हम लोग के बीच से छीन लिया। यह हमारे लिए नहीं, भागलपुर जिला के लिए नहीं, कहलगांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी क्षति है। आज बहुत ही दुख का समय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधानसभा में भी अध्यक्ष रह चुके हैं और वो अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है और अपने संसदीय कार्य में काफ़ी उन्होंने ऊंचाई प्राप्त किया है। सौभाग्य ऐसा है कि हमारे ज़िले के वो नेता हैं और 2010 से 15 उनके सानिध्य में एक अभिभावक के रूप में उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया था। आज उनको अपने बीच नहीं पाकर मैं बहुत दुखी हूँ। वे जन जन के नेता थे। सदानंद सिंह पहली बार 1969 में विधायक बने थे, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिहार की सियासत की हर बुलंदी उनके हिस्से आई। कहलगांव सीट से उन्होंने 12 बार चुनाव लड़ा जिसमें से 9 बार वे जीते। 1985 में जब कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। वे 2000 से लेकर 2005 तक बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रहे, कई बार बिहार सरकार के मंत्री रहे जिसमें सिंचाई और ऊर्जा जैसा महत्वपूर्ण महकमा भी संभाला। वे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष 2-2 बार रहे। सदानंद सिंह मूलतः भागलपुर जिले के रहने वाले थे, कहलगांव अनुमंडल के धुआबे उनका पैतृक घर था। वर्ष 2020 तक वे कहलगांव के विधायक रहे, इसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले ली। सदानंद बाबू की मौत से बिहार की राजनीति को, बिहार की जनता को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उनके बच्चों को, मुकेश जी को और परिवार के सारे लोगों को अपना को शांत करने की शक्ति दे। मित्रों, अपार दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरदेव सदानंद बाबू जी का जाना हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। हमारा उनके साथ पारिवारिक संबंध रहा है और जब वो पटना के
पुलिस अस्पताल में आईसीयू में थे, तो हम दो बार उनसे मिलने गए थे, हालांकि शाहनवाज जी के साथ और मित्र जयंत राज जी के साथ में गया था। उनका जाना कहलगांव फिर पैथी भागलपुर के साथ साथ पूरे बिहार की राजनीति में शून्यता ला दिया है, और वो सदानंद बाबू थे। आज देश और बिहार की राजनीति में विरले नेता हुए जो बाबू जाने गए, जैसे जगजीवन बाबू, श्री कृष्ण बाबू, इस तरह से सदानंद बाबू थे और सर्वदलीय नेता थे और सर्वमान्य नेता थे। हम उनके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिजनों के संपाद को सहने की शक्ति दें। सदानंद बाबू, आप सदा हम लोगों के हृदय में राज करेंगे, बसे रहेंगे, याद रहेंगे। विनम्र श्रद्धा। सदानंद सिंह ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम एलएलबी तक की पढ़ाई की थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहलगांव के शारदा पाठशाला से हुई, जहां से उन्होंने मैट्रिक की थी। वे शुरू से ही कांग्रेस में रहे। भागवत जाजाद ने उन्हें कांग्रेस में लाया था। 1969 से वे राजनीति में सक्रिय थे। पहली बार 1972 में चुनाव लड़े और विधायक बने। इसके बाद लगातार 4 बार विधायक रहे। इसके बाद 2 बार राजद प्रत्याशी महेश प्रसाद मंडल ने इन्हें पराजित किया। 2 बार हारने के बाद वे पुनः जीते। इसके बाद उन्हें जदयू प्रत्याशी अजय कुमार मंडल, जो भागलपुर के वर्तमान जदयू सांसद हैं, ने इन्हें पराजित किया। इसके बाद हुए चुनाव में फिर सदानंद सिंह चुनाव जीत गए। यहाँ बता दें, एक बार कांग्रेस ने सदानंद सिंह को टिकट नहीं दिया, इस कारण वे निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। हालांकि चुनाव जीतने के बाद वे फिर से कांग्रेस में जुड़ गए। वर्ष 1977 में कांग्रेस के प्रति पूरे देश में आक्रोश था, इसके बावजूद भी कहलगांव से वे चुनाव नहीं हारे थे। आज सदानंद बाबू के निधन से मैं मर्माहत हूँ। वे मेरे गार्जियन तुल्य थे। मैं उनके निधन पे हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कांग्रेस के लिए जो है इतनी बड़ी क्षति है कि इसको पूरा करना जो है वो असंभव है। और मैं समझता हूँ कि बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में इनके कैलिबर का, सदानंद बाबू के कैलिबर का नेता जो है आप देख लीजिए कौन है, कोई नहीं है। उम्र में हो सकता है कि कोई बड़े हों, लेकिन जो आदमी 2 टर्म विधानसभा के स्पीकर रहे, जो आदमी BPCC जो है चीफ 2-3 टर्म रहे, जो आदमी जो है मोच का रेग निकल रहा था वो विधायक बने और मंत्री बने, 45 साल तक उन्होंने जो है कांग्रेस का जो है विधायक रहे और अपना पूरा जीवन जो है वो कांग्रेस को समर्पित कर दिया। सारे कांग्रेस जन मर्माहत, एक युग का अंत हो गया और शायद इसकी भरपाई नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी का अपूर्णीय क्षति, बहुत बड़ा क्षति है, विगत दिनों में इनका भरपाई नहीं हो सकती। सदानंद सिंह कोई व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचारधारा थे। लंबा समय से पार्टी का उन्होंने सेवा किया, प्रदेश का सेवा किया और कहलगांव विधानसभा का प्रतिनिधि किए। मेरे पास शब्द नहीं है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए। कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे और भागलपुर प्रमंडल के जो है सबसे बड़े नेता थे वो, और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। विशेषकर भागलपुर के कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति हुई है, और वैसे कहा जाए तो पूरे बिहार ने कांग्रेस ने अपने अभिभावक खोया है। सदानंद सिंह का लंबा राजनीतिक जीवन और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा ये बताती है कि दल बल के इस दौर में 50 साल से ज्यादा किसी एक विचार और एक पार्टी के प्रति समर्पण के मायने क्या होते हैं। वे बिहार कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता थे। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस ने बिहार में बुरा से बुरा दौर देखा, लेकिन सदानंद सिंह हमेशा हर सियासी तूफान के आगे भी किसी दीपक की लौ बनकर डटे रहे। सदानंद सिंह कांग्रेस की तरकस में उस तीर की तरह थे जिसे पार्टी कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकती थी। सदानंद सिंह की राजनीति बेलौस थी, बेबाक थी। वे किसी गुट में नहीं रहते थे और हमेशा पार्टी हित का रास्ता ही अख्तियार करते थे। बिहार कांग्रेस के राजनीतिक पुरोधा, साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस विधानमंडल दल के भी अध्यक्ष रहे, कहलगांव से 9 बार विधायक रह चुके सदानंद सिंह का आज 9 बजे निधन हो गया था। अभी अभी पार्थिव शरीर जो है भागलपुर
कांग्रेस कार्यालय पहुंचा है, कांग्रेस भवन पहुंचा है। आप सीधी तस्वीर हम आपको भागलपुर के कांग्रेस भवन से दिखा रहे हैं। यहां पर एम्बुलेंस से पटना से शुभानंद मुकेश उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा पटना से यहां पर एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। यहां पर जो लोग हैं, जो नेता हैं, यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा। साथ ही साथ बता दें कि सभी पार्टी के, सभी भाजपा, लोजपा, साथ ही साथ राजद, कांग्रेस, सभी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सभी श्रद्धांजलि देने पहुँचे हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि बिहार के राजनीति के एक युग पुरुष का अंत हुआ। जिस जगह हम मौजूद हैं, इस जगह भी सदानंद सिंह जी कई बार कार्यक्रम कर चुके थे और यहाँ के वो अध्यक्ष भी रहे थे भागलपुर कांग्रेस कमेटी के, साथ ही साथ बिहार कांग्रेस कमेटी के भी वो अध्यक्ष रहे थे, बिहार कांग्रेस मंडल दल के नेता भी रहे और बिहार विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे, राजनीतिक पुरोधा के रूप में जाने जाते थे। आप एम्बुलेंस से, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पटना से एम्बुलेंस पहुँची है और पार्थिव शरीर यहाँ पर उनका उतारा जाएगा, जिसके बाद सभी जो नेता हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े हुए हैं। लाइव तस्वीर आप, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस भवन से यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। सभी पार्टी के नेता हैं, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, राजद, लोजपा, सभी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जैसा कहा जा रहा है कि एक युग पुरुष का अंत हुआ है, बिहार के राजनीति के एक युग पुरुष का अंत हुआ है। सभी लोगों ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राहुल गांधी, सभी लोगों ने ट्वीट कर भी श्रद्धांजलि अर्पित किया है इन्हें। आपको हम कांग्रेस भवन से तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। भागलपुर अभी पहुँचा है एम्बुलेंस के जरिए, इनका पार्थिव शरीर भागलपुर पहुँचा है। अजीत शर्मा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एम्बुलेंस में ही उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। वहीं यहाँ से फिर जो है कहलगाँव इनके पार्थिव शरीर को पैतृक आवास पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद कल जो है 10 बजे के करीब इनका अंतिम संस्कार होगा। कई दिग्गज नेता, कई मंत्री और कई कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचेंगे कहलगांव और इनके अंतिम दर्शन करेंगे। कल 10 बजे के करीब इनका अंतिम संस्कार बताया जा रहा है, जैसा कि 10 बजे के आसपास इनका अंतिम संस्कार होगा। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं कि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं कांग्रेस भवन से, आप भागलपुर कांग्रेस भवन से तस्वीर आप देख रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी हुई है। और फिर से हम बता देना चाहेंगे कि इनका पार्थिव शरीर जो है पटना से भागलपुर पहुंचा है अभी भागलपुर कांग्रेस भवन, इसके बाद इनके शरीर को, पार्थिव शरीर को कहलगांव ले जाया जाएगा पैतृक आवास पर। रात भर वहां रहने के बाद कल जो है श्रद्धांजलि इनको देने के बाद कल इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर हम फिर दिखाना चाहेंगे काफ़ी संख्या में किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस भवन में भीड़ उमड़ी है। भागलपुर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सभी लोग पहुँचे हुए हैं, सभी दल के लोग, सभी दल के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं युग पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कल जो है इनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा कल कहलगांव में। हम कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा जी से बात करेंगे कि इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर, एक कहा जा रहा है कि युग का अंत हुआ, राजनीतिक युग का अंत हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, युग का अंत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बिहार में कांग्रेस का जो योगदान रहा है, कांग्रेस को जो मजबूती करने में उन्होंने काम किया, और खास करके भागलपुर जिला में हम लोग के अभिभावक के तौर पर थे। आज जो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, सबका आप चेहरा देख रहे होंगे, गमगीन है, क्योंकि इन्होंने एक 9 बार विधायक जनता ने चुना है। इन्होंने जिस कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है पूरे बिहार में, और इनका नाम तो पूरे देश में था। हम लोगों ने एक ऐसे नेता को खोया है जो ये काल का जो कहिए कि खींच के इनको ले गया, अभी इनको जाने की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस को इनकी जरूरत थी। चलिए, कितने बजे इनका अंतिम संस्कार होगा कहलगांव में? 10 बजे के आसपास हम लोगों ने रखा है क्रिमिनेशन का, और हम लोग सभी वर्कर्स वहाँ जाएंगे। और ये तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम सभी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कांग्रेस जिला कांग्रेस कार्यालय में, चूँकि जिला उनका भी है, हमारा भी है, कितने लोग, अध्यक्ष लोग, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ये इनको अभी जाना नहीं चाहिए था, बिहार में इनकी ज़रूरत थी, लेकिन चले गए, भगवान का मंजूर है, लेकिन फिर भी उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे, और कल हम लोग सभी कहलगांव मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि कल कहलगांव में 10 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और सभी दल के नेता वहां भी पहुंचेंगे, खासकर कई मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचेंगे कहलगांव में इनका अंतिम दर्शन करने। और कल 10 बजे के करीब इनका अंतिम संस्कार इनके पैतृक आवास के बाद जो कहलगांव का घाट है वहां पर किया जाएगा। इनसे हम बात करेंगे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, क्या लगता है अंत हुआ है एक
युग का एक अध्याय का जो है अंत जरूर हुआ है, एक अध्याय का अंत हुआ है। और ये जो अंत है इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के केवल लोग नहीं हैं, यहाँ पर हर एक दल के लोग जो है अपने नेता को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो है उपस्थित हुए। इसलिए आपको उनके सहज से जो है पता चलता है कि ये आदमी जो है जन जन के नेता थे, जन जन के नेता थे, और इनकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी जो है। और हम लोग अब एक अपील से केवल जो है कांग्रेस जन से करते हैं कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी कि उनके पद चिन्ह पर चलकर कांग्रेस को मजबूत करें, बस यही जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल, और कांग्रेस के सभी नेता जो कह रहे हैं कि इनके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर है और सभी दल के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने। यहाँ पर जैसा कि जिलाध्यक्ष ने कहा कि सभी दल के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सदानंद सिंह कितने सहज थे। इससे ही यहाँ पर और भी हम लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर राजद के प्रदेश महासचिव हैं, इनसे बात करेंगे। एक अध्याय का अंत हुआ है राजनीति में। देखिए, सदानंद बाबू भागलपुर नहीं पूरे देश के चर्चित नेता थे और सादा जीवन, उच्च विचार के हिमायती थे। इनका सादगी जीवन रहा, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जो इन्होंने सदन चलाने का काम किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। इन 9 बार विधायक रहना यानी लगभग 45 साल किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना ये बहुत बड़ी बात होती है। कांग्रेस में इनको राहुल जी, सोनिया जी सभी लोग का इतना प्यार मिलता था और इनके कंसेप्ट से ही बिहार की कांग्रेस की राजनीति चलती थी। यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी दल के नेता जैसे पहुँचे हुए हैं, फिर से हम एक बार अंतिम बार आपको दर्शन कराना चाहेंगे। यहाँ पर एम्बुलेंस से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, वहाँ पर अंतिम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद कहलगांव में कल इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको अंतिम संस्कार की भी तस्वीरें कल कहलगांव से दिखाएंगे। लगातार अपडेट के लिए बने रहें। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।